साथियों, आज कुछ लोग देश के किसानों को कर्ज माफी के नाम पर बहला रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि उन्होंने कभी उत्तर कोयल परियोजना का नाम तक नहीं सुना होगा। उनको तो ये भी पता नहीं चलेगा ये कोयल पंखी का नाम है कि डैम का नाम है कि नदी का नाम है, कुछ पता नहीं होगा। जब उनकी सरकार केंद्र में थी तो ऐसे लोगों ने कभी परवाह ही नहीं की कि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं बरसों से अटकी हैं, अधूरी हैं, उन्हें पूरा किया जाए। आप मुझे बताइए, ये करीब करीब आधी शताब्दी से लटका हुआ प्रोजेक्ट ये समय पर पूरा हुआ होता तो इस क्षेत्र का किसान कभी कर्जदार बना होता क्या? बना होता क्या? उसको कर्ज लेना पड़ता क्या? वो कर्ज में डूबता क्या? उसको पहले आपने कर्ज करने के लिए मजबूर कर दिया, उसका जीना बिना कर्ज असंभव कर दिया, और अब राजनीति करने के लिए निकल पड़े हैं। अच्छा होता अगर किसानों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना होती, ऐसे सारे काम पूरे कर दिए होते तो मेरा किसान कभी कर्ज के बोझ में डूबा नहीं होता। अरे वो तो दुनिया को कर्ज देने की ताकत वाला बन गया होता। भाई और बहनों, जब हमारी सरकार आई तो किसान के खेत में पानी पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया। जब पुरानी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के कागज निकलवाए तो ऐसे ऐसे कारनामों का पता चला कि मेरी तो आंखें खुल गई, खुली खुली रह गई जी, एक प्रकार से आंखें फट गई। ऐसा काम करके गए, आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ उत्तर कोयल परियोजना नहीं, अनेक ऐसी सिंचाई परियोजना थी जहां पर बांध बन गए तो नहर नहीं बनी, नहर बन गई तो बांध का काम अधूरा पड़ा हुआ था, बांध और नहर दोनों बन गए तो उसको जोड़ने का काम नहीं हुआ। ऐसा कोई परवाह ही नहीं, पैसे गए तो गए, जमीन गई तो गई, किसान मर रहा है तो मर रहा है, यही काम करते रहे जी। किसानों के साथ, देश की सिंचाई परियोजना के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। मैंने देश भर की ऐसी बड़ी परियोजनाओं की लिस्ट बनवाई, बजट में पैसों का इंतजाम किया और फिर शुरू की प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना। आज इस परियोजना की वजह से देश की उन 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है जो 30-30, 40-40 साल से अटकी पड़ी थी, फाइलें भी खो गई थी। साथियों, आप जानते हैं हम इस पर कितनी राशि खर्च कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, करीब करीब 90,000 करोड़ रुपया, यानी एक प्रकार से 1,00,000 करोड़ रुपया, ये है हमारा काम करने का तरीका। भाइयों और बहनों, अगर मुझे राजनीति करनी होती, अगर मुझे किसानों को वोट बैंक का हिस्सा ही बना के रखना होता तो मेरे लिए तो बहुत सरल था। ये 1,00,000 करोड़ रुपये की इतनी सारी योजनाओं के पीछे मेहनत करने की क्या जरूरत थी? दिन रात पूछताछ करने की क्या जरूरत थी? बाबुओं को दौड़ाने की क्या जरूरत थी? सीधा साधा 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों को कर्ज माफी कर करके बस बांट देता। लेकिन मैंने किसानों को गुमराह करने वाला रास्ता नहीं चुना, पाप नहीं किया। कर्ज माफी तो एक पीढ़ी की हो जाती, एक साल की हो जाती, लेकिन 1,00,000 करोड़ से जो पानी आएगा वो आने वाली सदियों तक लोगों का भला करेगा, किसान की 5-5, 25-25 पीढ़ी का भला करेगा,
वो कभी कर्जदार ना बने, ये ताकत उसको मिलने का काम हमने किया। हमने हमने वो वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हमने मेरे किसान को मजबूत करने का काम किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव जीतने के खेल जो चल रहे हैं, उसी खेल का परिणाम है कि उन्होंने किसान को कर्जदार बना के रखा है, उन्होंने नौजवान को याचक बना के रखा हुआ है, उन्होंने माता बहनों को असुरक्षित बना करके रखा हुआ है, उन्होंने सारी चीजें लोक सरकार के भरोसे जिए ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, देश सरकार से नहीं, देश देशवासियों से चलना चाहिए, देश हम लोगों से नहीं, आपके लिए होना चाहिए, आपकी ताकत के भरोसे चलना चाहिए, इस इरादे से हम काम कर रहे हैं।